हेलो एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैं एम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आप दोनों की आज की एनर्जीज़ लेकर। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आप दोनों की आज की एनर्जीज़ कैसे रहने वाली हैं। तो शुरू करते हैं गाइस, लेके प्रभु का नाम, हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले हम देखेंगे आप दोनों की आज की एनर्जी में से आपकी एनर्जी राइट साइड में होगी, आपके पर्सन की लेफ्ट साइड में, और जो मेरे व्यूवर सिंगल हैं इस वक्त वो राइट साइड की एनर्जी को फॉलो करेंगे। शुरू करते हैं आज की रीडिंग। ये है गाइज आपकी एनर्जी और ये आपके पर्सन की, आपकी तरफ फर्स्ट कार्ड वी हैव नाइट ऑफ वांड्स, एट ऑफ वांड्स, सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस, मून, ओवरऑल एनर्जी है हेरोफेंट। तो गाइज ऐसा लग रहा है जैसे ज़्यादातर लोगों की एनर्जी में आज का दिन बहुत इम्पॉर्टेंट होगा। या तो आपके घर में कोई ट्रेडिशनल इवेंट हो सकता है, कोई पूजा पाठ हो सकती है, कोई आप कहीं जा सकते हैं स्पिरिचुअल प्लेसेस पर, या तो फिर आपके घर में शादी का लेकर कोई बातचीत हो सकता है, कोई सीन हो सकता है, शादी की डिस्कशंस हो सकती हैं, या तो आप खुद करेंगे या घर वाले आपसे करेंगे, इस तरह की वाइब्स है। इसके अलावा ओवरऑल एनर्जी वी हैव जस्टिस विद द मून। आज का दिन बहुत अच्छा नहीं है कुछ लोगों के लिए, मेरे व्यूवर्स के लिए आज का दिन ऐसा हो सकता है जैसे आपके अंकल से आपका कोई आर्ग्यूमेंट हो, या आपके ऑफिस में कोई हीटेड आर्ग्यूमेंट हो, या आज के दिन आपका कोई बनता काम बिगड़ जाए, क्योंकि यहाँ मून शनि की एनर्जी है, बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, इमोशनल ट्रॉमा या फिर आज के दिन कोई कार्मिक ट्रिगर आपको मिल सकता है। पॉसिबिलिटी ये भी है कि इमोशनली आप थोड़ा सा आज का हेक्टिक डे हो सकता है, बहुत ज़्यादा वर्कलोड आपके ऊपर आज के दिन हो सकता है, किसी न किसी तरह का काम का प्रेशर, स्ट्रेसफुल आज का दिन हो सकता है। कुछ लोगों के लिए आज का दिन ऐसा होगा जैसे आप कहीं शांत प्लेस पर बैठकर चाहेंगे कि आप कुछ पढ़ सकें, कोई नॉवल पढ़ सकें, कुछ लिख सकें, कोई पोयम लिखना चाहें, शायरी पसंद, जैसे कुछ, जैसे मुझे बहुत शायरी पसंद है तो शायरी सुनना पसंद है, कोई मेरे पर शायरी बोले मुझे वो पसंद है, तो यहाँ पर शायरी की आप रीडिंग कर सकते हैं, अपने लव्ड वन के साथ आप टाइम स्पेंड कर सकते हैं, चंद्रमा के नीचे, चांदनी रोशनी के बीच में, तो आप फ्री टाइम चाहते हैं बट आपको वो टाइम मिलेगा नहीं, आप जो चाहते हैं उसके लिए समय ना मिलने से आप इरिटेट होंगे, ऐसी वाइब्स है। कुछ लोगों के लिए आज के दिन आपकी मदर की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो सकती है, ख़राब इन द सेंस कि उनको तकलीफ़ घुटनों में हो सकती है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो, जॉइंट पेन्स बहुत ज़्यादा हो, क्योंकि यहाँ पर शनि की एनर्जी है और शनि रेट्रोग्रेड हो रहे हैं आज से, तो शनि रेट्रोग्रेड हो रहे हैं, शनि वक्री हो रहे हैं, तो आज के दिन शनि यहाँ पर आए हुए हैं, तो ये थोड़ा सा ट्रिगर आपको ज़रूर दिलवा सकते हैं। कुछ लोगों के लिए शनि बहुत अच्छा फल देंगे, कुछ लोगों के लिए शनि थोड़े से प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। किस तरीके के परिणाम होंगे, पॉजिटिव नेगेटिव, मैंने वीडियो बना रखी है, आप जाकर एस्ट्रो विद एम सिंह में देख सकते हैं। इसके अलावा वी हैव नाइट ऑफ वांड्स विद सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स। आज के दिन चीट धोखा, कोई सामान चोरी होना, कोई गलत डॉक्यूमेंट्स पे साइन कर लेना, कहीं ना कहीं आपको, जैसे आपने किसी को 500 रुपये दिए और आपको 100 रुपये वापस होने थे, या तो उसने दिए नहीं या तो आपने लिए नहीं, इस तरीके के भी छोटे मोटे नुकसान आपको हो सकते हैं। इसके अलावा आज के दिन मैसेजेस काफ़ी लोगों को आएंगे, अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तो बातचीत होगी, अगर आप कांटेक्ट में हैं तो और ज़्यादा बातचीत होगी। कई बार ये जो सिचुएशन होती है, यहाँ पे स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, मून है, तो थोड़ा सा जो कांटेक्ट में है उनको कन्वर्सेशन पर ज़्यादा ध्यान देना, अपनी वाणी पर ज़्यादा ध्यान देना है, कोई ऐसी बात नहीं करनी है जिससे आपकी यूनियंस ब्रेकअप में बदल जाए, इस चीज़ का याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो वाइब्स है ना थोड़ा गुस्से की है, फायर एनर्जी डोमिनेट कर रही है,
फायर और एयर जब एक साथ होते हैं तो क्या होती है, आग फैलती है। तो यहाँ पर गुस्सा आपका बढ़ेगा, बातें बढ़ेंगी और राई का पहाड़ बन जाएगा, चीज़ें ख़राब होंगी, ऐसी वाइब्स है। कुछ लोगों के लिए आज का दिन ऐसा होगा जैसे कि आप बहुत स्लो हैं, आपका बहुत सारा काम बचा है और आप बहुत स्लो हैं और आपको स्ट्रेस हो रहा है, यार जल्दी से काम ख़त्म करना है, जल्दी से काम ख़त्म करना है, ये वाली वाइब्स है। तो इस तरह की एनर्जी है गाइस आज की आपकी। अगर आज के दिन आपका कोई कोर्ट कचहरी का मैटर है तो थोड़ा टल जाए तो अच्छा है, पोस्टपोन हो जाए तो अच्छा है, रिजल्ट आपके फेवर में नहीं होगा, ऐसी वाइब्स है। कोई कल्टी खा जाए, कोई पलटी खा जाएगा, ऐसी वाली एनर्जी है। पैसे का खर्च भी आज नज़र आ रहा है आपकी तरफ। तो आज का दिन ओवरऑल मेरे व्यूवर्स के लिए बहुत अच्छा नहीं है, एवरेज है, हेक्टिक है, मैं नेगेटिव भी नहीं कहूँगी बट हेक्टिक है। लव लाइफ की एनर्जी तो बिल्कुल अच्छी नहीं है, आपके आपके अंदर की इंटेंशंस बता रही हूँ। आपके अंदर ऐसा होगा जैसे मेरी लाइफ में कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा, कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा, मैं तो वेट कर करके ही परेशान हो जा रहा हूँ या हो जा रही हूँ। जो लोग कॉन्टैक्ट में हैं उनको लगेगा कि मेरा पार्टनर तो बहुत कम बातचीत कर रहा है, मुझे तो इतना एक्सपेक्टेशंस था, वो तो एक हाय गुड मॉर्निंग बस, उसके बाद कुछ नहीं, ऐसी वाली वाइब्स है। आपके पर्सन की एनर्जी में पहला ही कार्ड है एस ऑफ कप्स। आगे बढ़ो, चाय का है क्या? नहीं, चाय नहीं है। देन वी हैव सिक्स ऑफ सोर्ड्स, देन वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल्स, देन वी हैव किंग ऑफ वॉन्ड्स, दो दो किंग्स, देन वी हैव थ्री ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ओवरऑल एनर्जी नाइट ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पर भी देखिए सोर्ड्स की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, 1, 2, 3, 4 चार कार्ड सोर्ड्स के हैं। देखिए यहाँ पर मैं बता दूं कि आपके पर्सन बहुत एम्बिशियस हैं, कुछ चेज़ कर रहे हैं, कुछ आज डिसीजन लेने वाले हैं, इन्होंने एक टारगेट सेट कर रखा है और उस टारगेट तक उसको पहुँचना है, ऐसी वाली वाइब्स है। लेकिन आपके पर्सन उस टारगेट तक अगर नहीं पहुँच पा रहे हैं तो ये हर्ट है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इनका, अरे गिरो नहीं, जैसे इनका टारगेट है आप तक पहुंचना, लेकिन ये आप तक नहीं पहुंच पा रहे या कन्विंस नहीं कर पा रहे या सिचुएशन को आपके फेवर में नहीं कर पा रहे तो ये दुखी है, इस तरह की एनर्जी। अगर इनकी विश पूरी हो जाएगी तो इनसे सुखी कोई नहीं है, और अगर इनकी विश पूरी नहीं हो रही है तो ये इनसे दुखी कोई नहीं है, ये वाली वाइब्स है। ओवरऑल रीडिंग की शुरुआत पॉजिटिविटी से हुई है तो मैं यही कहूँगी कि आपके पर्सन का दिन आज के लिए ठीक है, अच्छा है। बाकी हम इसके बाद वाली रीडिंग्स में और ज़्यादा देखने की कोशिश करेंगे। रोमांटिक एनर्जी है एस ऑफ कप्स की वाइब से, ऐसा लग रहा है इन्होंने आपको बहुत मिस किया है, बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोचे हैं, अपने दिल को एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, ओपन करना चाह रहे हैं अपने हार्ट स्पेस को, और आपकी इंपॉर्टेंस क्या है इनके दिल में वो आप तक पहुँचाना चाह रहे हैं। तो ये अपने इमोशंस का पिटारा खोलेंगे और आपको उसमें से अच्छी अच्छी बातें जो भी हैं वो निकाल कर देने वाले हैं, ऐसी वाइब्स है। कोई गुड न्यूज़ इनको करियर में आज के दिन मिल सकती है, करियर इनका अच्छा रहेगा। हेक्टिक शेड्यूल हो सकता है, वर्कहोलिक हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा वर्क प्रेशर हो आज के दिन, लेकिन यहाँ पर ये ज़रूर नज़र आ रहा है कि इनको कोई सक्सेस मिली है, या तो इनकी गवर्नमेंट जॉब लग गई है या इन्होंने कुछ अचीव किया है या फिर कोई एग्ज़ाम क्लियर किया है, कोई गुड न्यूज़ ये आपको देना चाह रहे हैं। ये भी नज़र आ रहा है कि आज के दिन आपके पर्सन आपके साथ बिताए हर पल को याद करेंगे। नाइट ऑफ वॉन्ड, किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, तो यहाँ पर जो एनर्जी है उसके अकॉर्डिंग आपके तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन, आपके बारे में देखना, सोचना, स्पाई करना, आपको ये सोचना कि मतलब आपको कैसे अपने पास वापस बुलाया जाए, बातचीत करके या डायरेक्ट मिलके या कोई गिफ्ट देकर कोई प्लानिंग ये कर सकते हैं। इनकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन है जो इनको बहुत बहुत परेशान कर रही है, स्पेशली कोई महिला इनकी लाइफ में है जो जिनके कारण ये बहुत परेशान है, ये अपना कुछ चला ही नहीं पा रहे, इनका राज चाहते हुए भी नहीं चल पा रहा, किसी और ही फीमेल का डोमिनेंस है इनके ऊपर। तो ये फीमेल कौन है, ये कोई मेच्योर लेडी नज़र आ रही है, ऐसा लग रहा है कि इनके लाइफ में कोई ऐसी लेडी है जो बहुत डोमिनेटिंग है, बहुत कंट्रोलिंग है, और उनकी सुनते हैं आपके पार्टनर, उनको रिस्पेक्ट करते हैं आपके पार्टनर, जिसके कारण यहाँ पर चीज़ें और ज़्यादा ख़राब होती जा रही हैं। इनकी जो एनर्जी है लो है, और इस एनर्जी के कारण ही आपके पर्सन की एनर्जी लो है, ये वाली वाइब्स है। कुछ लोगों के पार्टनर तो इस एनर्जी के कारण दूर होते हुए भी नज़र आ रहे हैं, जैसे इन नेगेटिव सिचुएशन से भागना चाह रहे हैं, कहीं दूर चले जाएं, कहीं घूमने चले जाएं, कहीं वेकेशंस पर चले जाएं, और अगर काम है, वर्क प्रेशर है तो ऑफिस में ही टाइम बिता ले जाएं।
मतलब अगर छुट्टी 10 बजे हो रही है, या सॉरी 10 बजे नहीं होती होगी छुट्टी, 6 बजे होती होगी ना, तो जब भी छुट्टी होती है उसके बाद भी कोई लोग काम करता रहता है। आप देखोगे या तो उसको ओवर टाइम करना होता है अपनी फाइनेंशियल नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए। कई लोग ऐसे होते हैं जिनको ऐसा लगता है यार घर पे जाने से अच्छा यहीं बैठे रहो, तो वो वाली एनर्जी है, जैसे ये घर जाना ही नहीं चाह रहे, ये उन लोगों के पास जाना नहीं चाह रहे जो लोग इनको बहुत परेशान कर रहे हैं, या डोमिनेंस इनके लाइफ पे उनका ज़्यादा है, तो इस तरह की वाइब्स है। तो एनर्जी रोमांटिक आपके पर्सन की आज ज़्यादा है आपके कंपैरिजन में, आपकी एनर्जी रोमांटिक कम है, आपकी एनर्जी में आज स्ट्रेस ज़्यादा नज़र आ रहा है। सो ये थी गाइस आज की एनर्जी, मिलते हैं इसके बाद एस्ट्रो विद एम सिंह में मैसेजेस के साथ, और फिर इस चैनल पे आएंगे करंट फीलिंग्स नेक्स्ट एक्शन के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।